हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि जो गाड़ियों में मिरर यूज होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो ये कार है, इसमें ये वाला जो मिरर है इसको बोलते हैं साइड व्यू मिरर। अब यहाँ पर आप देखिए, जितने भी पीछे पूरा रोड है, पूरे रोड का आपको व्यू दिख रहा है इसमें। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट, अब ये पेड़ है, जैसे ये पेड़ है, ये कार खड़ी हुई है, तो इसका साइज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना। अब यहाँ पर ये कार की जितना बड़ा साइज है वो इस, अब ये देखिए जैसे कार आ रही है, इसका साइज बहुत बड़ा है, बट जब ये दूर थी तो इसमें क्लियरली विजिबल हो रही थी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, ये हमारे में कौन सा मिरर है, तो ये इसमें मिरर यूज हुआ है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जैसे जैसे आप मिरर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट आपको छोटे दिखाई देंगे। जैसे देखिए ये अभी गाड़ी गई या ये बाइक गई, देखिए इसका साइज छोटा होता जाएगा, जितनी डिस्टेंस होगी उतना छोटा होगा। तो इसका यूज इसलिए हम साइड व्यू मिरर में करते हैं गाड़ी की। जैसे कि ये बस आ रही है और गाड़ी आ रही है, इनका साइज़ बहुत बड़ा है बट इसमें आप क्लियरली विजिबल है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है ऑब्जेक्ट की मिरर से, वो ऑब्जेक्ट जो है स्मॉलर साइज में दिखता है, इसीलिए हम इस मिरर का यूज़ साइड व्यू मिरर करते हैं। अब एक मिरर यहाँ पर है, ये इसको बोलते हैं हम रियर व्यू मिरर। ठीक है, इसका यूज हम पीछे से, जो पीछे आप देख रहे हो रोड को, इसमें देखने के लिए करते हैं। तो इसमें भी हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। एक मिरर यहाँ साइड में, इनको साइड व्यू मिरर कहा जाता है, और इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लियरली पीछे देख पाते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए।